पटना के बादरपुर इलाके में बाढ़ पीड़ित कई लोगों ने बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा की गाड़ी को घेरकर हंगामा किया। 7 दिन बीत जाने के बाद भी इलाके से बाढ़ का पानी नहीं निकाला गया, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और वहां लोगों का हाल जानने पहुंचे बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा की गाड़ी को उन्होंने घेर लिया। विधायक के सुरक्षा कर्मियों ने हंगामे के बीच से गाड़ी निकालने की कोशिश की तो कुछ लोग गाड़ी के आगे आकर खड़े हो गए। लोगों के गुस्से को देखते हुए विधायक गाड़ी से नहीं उतरे। विधायक के कानों तक बात नहीं पहुंची तो लोगों ने मीडिया को अपनी परेशानी बताई। बहुत देर चले हंगामे के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। लोगों को समझाया गया और तब कहीं जाकर विधायक की गाड़ी वहां से निकल पाई। नवरात्र के मौके पर सरकार ने वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। ये ट्रेन केवल 8 घंटे में नई दिल्ली से कटरा तक का सफर तय करेगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्री भी मौजूद थे। इस ट्रेन की शुरुआत कर अमित शाह ने उम्मीद जताई कि इसके जरिए जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। भरोसा है कि 10 साल के अंदर हमारा कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आएगा और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरुआत। हाई स्पीड ट्रेन होने के अलावा इसमें सफर करने वाले लोगों के लिए कई सुविधाएं भी मौजूद हैं। जो गेट है वो ऑटोमेटिक गेट है, सेंसर से खुलता है और बंद होता है ये गेट, और अंदर की तस्वीरें देख रहे हो कि ये इस तरीके की जो स्क्रीन लगी हुई है इसमें आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हालांकि लोग 5 अक्टूबर से इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। यूपी के संभल में गांधी जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने दिखावटी आंसू बहाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेता एक चौराहे पर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जिन्होंने कैमरा देखकर अचानक फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इन नेताओं में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान भी शामिल थे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठे रहे और दिखावटी आंसू बहाते नजर आए। वो बार बार आंखों को रुमाल से पोंछ रहे थे और उनके पीछे बैठे कार्यकर्ता उन्हें दिलासा देते दिखाई दिए। उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति से बात करते हुए देश की आजादी में दिए उनके योगदान को याद किया। इस दिखावे के दौरान उन्होंने खुद को अनाथ भी बता दिया। देश को अनाथ करा के छोड़ के अनाथ बना के चले गए। वहाँ मौजूद एक दूसरे नेता ने भी दिखावटी आंसू बहाए और महात्मा गांधी का नाम लेकर उन्हें पुकारने लगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता उनका ढोंग देखकर अपना मुंह छुपाते नजर आए। ब्रिटेन के कई इलाकों में लोरेंजो तूफान के टकराने से पहले हुई भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। इस बारिश का सबसे बुरा असर ब्रिटेन के उत्तरी इलाकों पर पड़ा, जिसकी वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं और किनारे तोड़कर बहने लगी। बाढ़ का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहने लगा। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां देखते ही देखते सैलाब में बह गईं। लहरें इतनी ताकतवर थीं कि वो एक दमकल की भारी भरकम गाड़ी को भी बहाने लगी। एक दूसरी भारी भरकम गाड़ी भी पानी में काफी दूर तक बह गई। बाढ़ का पानी सड़कों पर नदी की तरह बहने लगा। बहाव इतना तेज था कि एक खुदाई करने वाली मशीन भी उसमें फंस गई। मकानों में भी कई फीट पानी भर गया। पानी भरने से लोग घरों में ही फंस गए, जिनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। लंदन में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का असर दिखाई दिया। भारी बारिश की वजह से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जिसकी वजह से लोग स्टेशनों में ही फंसे दिखे। रेलवे ने स्टेशनों की स्वच्छता पर सर्वे कर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बाजी मारी। गांधी जयंती के मौके पर जारी की गई इस रिपोर्ट में स्वच्छता के मामले में जयपुर रेलवे स्टेशन पहले नंबर पर रहा, जबकि राजस्थान का ही जोधपुर रेलवे स्टेशन दूसरे पायदान पर रहा। वहीं जयपुर से कुछ ही दूरी पर मौजूद दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन तीसरे नंबर पर रहा। रेलवे ने देश के 720 बड़े स्टेशनों पर स्वच्छता सर्वे करवाया, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का दबदबा रहा। इनके अलावा रेलवे ने सालाना 2 करोड़ यात्रियों और 500 करोड़ रुपए की आय वाले 21 स्टेशनों का भी स्वच्छता का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन ने बाजी मारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोगों की भीड़ चोरी के आरोप में एक लड़के की पिटाई करने लगी। आरोप है कि लड़का एक महिला के गले की चेन झपटकर भाग गया कि थोड़ी ही दूर पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और चेन बरामद होने के बाद बुरी तरह पिटाई करने लगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ से उसे छोड़ने की अपील कर रहे थे, लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों ने आरोपी की पिटाई का जैसे ही मौका मिलता हर कोई उस पर हाथ साफ करने लगा। थोड़ी देर में भीड़ ने लड़के को जमीन पर गिराकर लाते बरसानी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने आकर भीड़ से लड़के को छुड़ाया
और उसे थाने ले गई। महिला आरोप लगा रही है कि एक लड़का जो है चैन छीनकर भाग रहा था, जिसे हम लोग पकड़ लिया है। महिला को चैन मिल गया है, पकड़ाए व्यक्ति को थाना ले जा रहे हैं, मेरी समाप्त करवाई हुई। पिटाई भी हुई है, पिटाई वो आम पब्लिक द्वारा लपड़ थपड़ से मारपीट किया गया है। राजस्थान के कोटा में कुछ लोगों ने निगम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। राजस्थान के कोटा में कुछ लोगों ने अपने इलाके में सड़क नहीं बनने पर निगम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। वोट नहीं तो वोट नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पुणे की कोथरूड विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सौरभ गांगुली ने रवि शास्त्री को कोच पद का सही हकदार बताया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि अब उन्हें अपने आप को साबित करना होगा। ठाकरे परिवार के चुनाव लड़ने वाले पहले सदस्य आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वर्ली सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले आदित्य ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाई और एक रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। आदित्य ठाकरे के महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में उतरते ही ठाकरे परिवार की चुनाव नहीं लड़ने की परंपरा खत्म हो गई। यही वजह रही कि आदित्य ठाकरे के रोड शो में जोश से भरे हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ आई और जहां तक नजर गई वहां तक सर पर भगवा साफा और हाथ में शिवसेना के झंडे लिए पार्टी के कार्यकर्ता ही दिखाई दिए, जिसमें बड़ी तादाद में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी, जो पारंपरिक वेशभूषा में आदित्य ठाकरे की गाड़ी के आगे चल रही थी। आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने से उत्साहित कई लोग रोड शो में नाचते हुए भी नजर आए। आदित्य ठाकरे का रोड शो मुंबई के वर्ली इलाके में जहां से भी गुजरा वहां लोगों ने आतिशबाजी और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। आदित्य ठाकरे अपने नॉमिनेशन के लिए वर्ली इलाके से गुजर रहे हैं और अपने मैदान आते से बोलना दिखाना चाहते हैं किस तरीके से जो आदित्य ठाकरे के साथ पूरा जो हुजूर चल रहा है और आप ठाकुर देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में आदित्य ठाकरे के साथ यहाँ पे लोग चल रहे हैं। अपनी चुनावी पारी का आगाज करते हुए आदित्य ठाकरे का आत्मविश्वास भी सातवें आसमान पर था और उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग केवल उन्हें ही नहीं उनकी पार्टी के हर प्रत्याशी को जिताएंगे। क्या उम्मीद है पब्लिक? लोग चाहते हैं कि आप सीएम बने, सेवा करने के लिए मौका दें और सिर्फ मुझे नहीं तो हमारे हर एक प्रत्याशी को। साथ ही आदित्य ठाकरे ने सीएम पद की दावेदारी के सवाल पर भी साफ इनकार नहीं किया और बात जनता पर छोड़ दी। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बोला कि सीएम के पद पे वहीं रहेंगे, लेकिन लोग आपको उस नजर में देखना चाहते हैं। जैसे लोग चाहें लेकिन उनके आशीर्वाद मिले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रोड शो के दौरान आदित्य ठाकरे के साथ उनकी मां रश्मि ठाकरे और छोटे भाई तेजस ठाकरे भी मौजूद रहे। जबकि शिवसेना प्रमुख और आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे पहले ही नॉमिनेशन सेंटर पहुंच गए, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आदित्य ठाकरे को फोन पर शुभकामनाएं दी, जिसके बाद आदित्य ठाकरे नामांकन दाखिल करने नॉमिनेशन सेंटर पहुंचे, जहां उनके पिता उद्धव ठाकरे पहले से ही मौजूद थे और आदित्य ठाकरे ने अपने माता पिता और छोटे भाई की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने पर खुशी जताई। अब नई पीढ़ी आगे आ रही है, यंग सोच है, नई सोच है और नई सोच मुझे पक्का भरोसा है देश को और अपने राज्य को आगे लेके जाएगी। नामांकन दाखिल करने के लिए घर से निकलने से पहले आदित्य ठाकरे ने अपने दादा बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के आगे सर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया था। यही नहीं, राज ठाकरे ने भी अपने भतीजे आदित्य ठाकरे का समर्थन करने के लिए वर्ली सीट से एमएनएस का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्योंकि आदित्य ठाकरे का चुनाव पूरे ठाकरे खानदान के लिए अहम है, नामांकन दाखिल करने के बाद आदित्य ठाकरे की संपत्ति की जानकारी भी सामने आई। हलफनामे के मुताबिक आदित्य ठाकरे के पास करीब 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें करीब 11.5 करोड़ की चल संपत्ति है, जबकि 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास एक BMW कार और 2 कमर्शियल स्टोर भी है। आदित्य ठाकरे पर न तो कोई लोन है और न ही कोई आपराधिक केस दर्ज है। मध्य प्रदेश के रायसेन में लोगों से भरी एक बस के नदी में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त बस इंदौर से छतरपुर जा रही थी, तभी अचानक वो बेकाबू हो गई और पुल के ऊपर से नदी में जा गिरी, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के लोग बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू का काम शुरू किया। गोताखोरों को लोगों की तलाश में पानी में उतारा गया, जिन्होंने एक एक कर घायलों को पानी से निकाला। हादसा देर रात होने की वजह से रेस्क्यू के काम में काफी परेशानी भी आई। सुबह होते होते अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हादसे वाली जगह पर बस का आधा हिस्सा नदी में डूबा नजर आया। बताया गया कि हादसे के वक्त बस में 45 लोग सवार थे। वो डिवाइडर से टकरा के 3-4 बल्टी खाई है गाड़ी, जिससे कि मतलब बस पलट गई। 45 से ऊपर आदमी थे उसमें और जिसमें 4 बच्चे भी थे। इससे पहले घायलों को रेस्क्यू कर रात में ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां अब भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बीत भाई फिट तो होना चाहिए,
ऊपर से गिरी बस स्पीड में थी क्या बस, क्या लग रहा है? हादसे में ज्यादातर लोगों की मौत का कारण डूबने या फिर बस के नीचे दबने को बताया गया। पानी में डूबने से भी कुछ मौतें हुई होंगी और या कुछ दबने से हुई होंगी। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कट्टर हिंदू वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। दिग्विजय सिंह एक दिन पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के एक कार्यक्रम में शिरकत करने इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भरी सभा में कट्टर मुस्लिम की तुलना कट्टर हिंदू से करते हुए इसे देश के लिए खतरनाक बताया था। जो रेडिकल मुस्लिम इस्लाम की बात कर रहे हैं, वही बात उसका जो काउंटर है वो है रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदूज, और वो रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदूज भी उतना ही खतरनाक है जितना की रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। दिग्विजय सिंह के इसी बयान पर बीजेपी भड़क गई। कुछ लोगों के अंदर अलकायदा की आत्मा घुस गई है और ये अलकायदा की आत्मा जो है उन्हें मजबूर कर रही है कि धर्म के साथ किस तरह से आतंकवाद को जोड़ो। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने दिग्विजय सिंह के बयान को सुर्खियों में रहने की कोशिश बताया। दिग्विजय सिंह जी उत्तेजनात्मक भावनात्मक ऑब्जेक्शनेबल बयान देते हैं और इसीलिए वो सुर्खियों में बने रहते हैं। इधर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही बौखलाए पाकिस्तान ने भारत को दहलाने के लिए पीओके में आतंकियों के दो लॉन्च पैड तैयार किए हैं। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने लश्करे तैयबा की मदद से पीओके के सलहन इलाके में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए दो लॉन्च पैड तैयार किए हैं। इनमें एक लॉन्च पैड पर 15 और दूसरे लॉन्च पैड पर 30 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। इनके अलावा जूरा इलाके के एक लॉन्च पैड पर 8 आतंकियों का एक ग्रुप 4 दिनों से कुपवाड़ा में घुसने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि इन आतंकियों का मकसद पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की ही तरह भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना है। दक्षिणी यूरोप के देश पुर्तगाल से टकराने वाले बीते 20 साल में सबसे ज्यादा ताकतवर लोरेंजो तूफान ने वहां भारी तबाही मचाई। इस तूफान का सबसे बुरा असर समंदर में टापू की तरह बने एज़ोर्फ इलाके पर पड़ा, जहां समंदर की ऊंची ऊंची लहरें रिहायशी इलाकों की गलियों में घुस गईं। लहरों के साथ वहां रखा सामान और कूड़ा करकट बहने लगा। तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर तो पाइपलाइन फट गई और पानी के फव्वारे छूटने लगे। लोरेंजो तूफान में अपना सब कुछ गंवाने वाले लोग बुरी तरह निराश हो गए। तूफान आने से पहले एंजोर्स में रहने वाले 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई थी। वहां बीते 3 दिन से समंदर में ऊंची लहरें उठती देखी गईं। तूफान के टकराने के बाद तेज रफ्तार में दर्जनों पेड़ उखड़ गए। कई नावें और उन पर रखा सामान समंदर किनारे बिखर गया। तूफान से खतरे को देखते हुए समंदर में जाने वाली नावों को किनारे पर खड़ा कर दिया गया और उन्हें दोबारा समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई। और नोएडा मेट्रो ने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से इस पहल का आगाज किया गया, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए मेट्रो स्टेशन पर जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील वाले पोस्टर लगाए गए। मेट्रो स्टेशन पर प्लास्टिक को नष्ट करने वाली एक मशीन भी लगाई गई है, जिसे फूलों से सजाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट करने वाली मशीन में अगर लोग 10 प्लास्टिक की बोतलें और 20 प्लास्टिक की थैलियों को डालकर उन्हें नष्ट करेंगे तो उन्हें एक जूट का बैग नोएडा मेट्रो की ओर से दिया जाएगा, जिसका एक स्टॉल भी मशीन के बगल में बनाया गया है। अभी नोएडा मेट्रो की तरफ से एक्वा लाइन पर ही इस मुहिम की शुरुआत हुई है। नोएडा मेट्रो प्रशासन की ओर से धीरे धीरे उनके दूसरे मेट्रो स्टेशन पर भी इस पहल के शुरू होने का भरोसा दिया गया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोग गार्बेज और प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह रास्ते में फेंक देते हैं। दिस इज नॉट गुड, इट्स गुड कि आप इसे यूज करें और ये एटमॉस्फेयर के लिए पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। दिल्ली की एक अदालत ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। दिल्ली की अदालत ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी। रतुल पर बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में सभी 19 पदों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट का कब्जा हो गया। इसमें पत्रकार अभिलाष खांडेकर अध्यक्ष चुने। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलास राव देशमुख के बेटे अमित देशमुख ने लातूर शहर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके भाई और अभिनेता रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया के साथ वहां मौजूद रहे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी, जिसमें छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल को नासिक की नंदगांव सीट से टिकट दिया गया।
एमपी में सतना जिले के चित्रकूट में लगातार रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने वहां बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी में उफान है, जिस वजह से नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया, जिसने वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़क का नामो निशान मिट गया। वहां इतना पानी भर गया कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वहां सैलाब में लोगों की दुकानों में भी पानी घुस गया और सामान तैरने लगा। ऐसे हालात में लोगों ने इलाके को खाली करना शुरू कर दिया। नीचे की दुकानें डूब चुकी हैं और वहां भी लोग सामान अपना निकाल निकाल करके ऊपर के स्थानों की ओर पहुंच रहे हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से उसमें चलने वाली नाव पर रोक लगा दी गई और सभी नाव नदी के किनारे पर खड़ी रही। यही नहीं, कुछ लोग पुल पर पानी पहुंचने की वजह से बीच रास्ते में फंस गए। जैश मोहम्मद के आतंकियों के दिल्ली में घुसने की भनक लगते ही दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई है। बीती रात 9 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने शहर के 9 स्थानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। छापेमारी सीलमपुर और उत्तर पूर्वी दिल्ली के 2 स्थानों, जामिया नगर और सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज स्थित 2 जगहों पर की गई। खुफिया एजेंसियों ने कुछ दिनों पहले जैश के ऑपरेटिव और उसके हैंडलर की बातचीत को इंटरसेप्ट किया था। विदेशी खुफिया एजेंसी के मुताबिक जैश भारत में सितंबर 25 और 30 के बीच आतंकी हमले की योजना बना रहे थे, जिसके बाद जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, जयपुर, गांधीनगर, कानपुर के साथ साथ लखनऊ सहित कुल 30 शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके बाद आतंकी संगठन ने अक्टूबर में त्योहारों के वक्त भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की साजिश रची। खुफिया इनपुट के अनुसार जैश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अपना निशाना बनाने के लिए स्पेशल स्क्वाड को तैयार कर रहा है। एक खुफिया अधिकारी का कहना है कि ये वही स्क्वाड हो सकता है जो दिल्ली में दहशत फैलाने के इरादे से आया है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई और इस वक्त हम आपको कनॉट प्लेस का नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जो इनपुट मिले थे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल जो टेररिस्ट है वो स्ट्राइक करने में कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस की जिप्सी है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं उन पर भी सख्ती से नज़र बनाने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के जब तमाम कमांडोज हैं उन्हें जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है और हर गाड़ी की चेकिंग करने को कहा गया है। जो पार्किंग एरिया है वहां पर भी हर गाड़ी की सघन तलाशी लेने के निर्देश दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। तमाम जो बड़े मॉल्स हैं या भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर ज़्यादा लोगों की इकट्ठा होने की संभावना होती है, वहां पर लगातार दिल्ली पुलिस के जो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस तरह से मचान पर जो जवान हैं उन्हें हथियार के साथ तैनात कर दिया गया है। कनॉट प्लेस चूंकि काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है, काफ़ी विदेशी टूरिस्ट जो है उनकी आवाजाही यहाँ पर होती है। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक में पास में है। इसको देखते हुए कोई कोताही सुरक्षा एजेंसियाँ या दिल्ली पुलिस नहीं बरतना चाहती है और उसको देखते हुए लगातार हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। बाकायदा एक एक जो शख्स है उसकी बाकायदा पड़ताल की जा रही है और जिससे देख सकते हैं ये गाड़ियाँ हैं जो उनकी चेकिंग की जा रही है। बाकायदा यहाँ पर जो कमांडोज हैं दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसको देखते हुए जितने भी भीड़भाड़ वाले बाजार हैं, मॉल्स हैं या जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, मंदिर हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और MIM नेता सुदुद्दीन ओवैसी ने गोडसे का नाम लेकर केंद्र सरकार और RSS पर हमला किया, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। ओवैसी एक दिन पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने गांधी जयंती के बहाने मोदी सरकार और RSS पर निशाना साधा था। गोडसे ने तो गांधी को गोली मारी थी, मगर मौजूदा गोडसे गांधी के हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हैं। बचा लो, जिसने 3 गोलियां चलाई वो तो रोज चला रहे हैं, बचा लो। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई और ओवैसी पर पलटवार किया। एक गाली गैंग बना हुआ है, उस गाली गैंग में एक कंपटीशन चलता है कि मोदी जी को कितना गाली दो, तो इस गाली गैंग में वो सज्जन भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी JDU प्रधानमंत्री के बचाव में कूद गई। प्रधानमंत्री ने स्वयं गोडसे वाले वक्तव्य को लेकर के साध्वी प्रज्ञा की आलोचना की थी और उन्होंने गांधी और गांधीवाद में अपनी आस्था जताई, जिसके जरिए इलॉन मस्क अंतरिक्ष की सैर का सपना सच करने की कोशिश करेंगे। इस रॉकेट की लंबाई 118 मीटर से ज्यादा है, जिसमें 40 केबिन बने होंगे। इस रॉकेट को अगले 2 महीनों के अंदर जमीन से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाकर देखा जाएगा।
ये रॉकेट मंगल जैसे ग्रह पर बस्तियां बसाने के लिए 150 टन तक का सामान भी ढो सकता है। रॉकेट को तेज रफ्तार देने के लिए इसमें 6 इंजन लगाए गए हैं। इस रॉकेट के जरिए लोगों को 2024 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक गहनों के शोरूम से चोरों ने करीब 30 किलोग्राम वजन के गहने चुरा लिए। चोरी हुए गहनों की कीमत 13 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का दावा किया गया, जिसमें सोने, हीरे और प्लैटिनम के 800 से ज्यादा गहने थे। चोरी का पता सुबह शोरूम का शटर खुलने के बाद चला। चोर गहनों के शोरूम में एक दीवार में बड़ा सा छेद करके शामिल हुए, जिनकी सारी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। खास बात यह थी कि चोरी करने वाले दोनों चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कुत्ते और बिल्ली के नकाब पहने हुए थे। चोरी के वक्त रात में शोरूम के बाहर 6 गार्ड मौजूद थे, लेकिन पीछे की दीवार तोड़कर शामिल हुए चोरों की किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। इस मामले में पुलिस ने खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक की मदद ली है, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि खोजी कुत्तों से बचने के लिए वो शोरूम में लाल मिर्च पाउडर बिखेर गए। पुलिस ने 7 टीमें बनाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के चुरू में प्रिंसिपल के तबादले से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के चुरू में एक स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले से नाराज छात्रों ने स्कूल पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के लिए पंजाब के एक श्रद्धालु ने चांदी के दरवाजे भेंट किए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव को करनाल से अपना उम्मीदवार बनाया। यहीं से सीएम मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव मैदान में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी मंदिर के पास अवैध निर्माण को हटाने से पहले ओडिशा सरकार को शंकराचार्य समेत दूसरे धर्मगुरुओं से सलाह लेने को कहा। बिहार में आई बाढ़ की वजह से अब तक 73 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह 8 अक्टूबर को महाराष्ट्र के बीड में जनसभा करेंगे, ये उनकी विधानसभा चुनाव में पहली रैली होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑटो चालकों का मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद बड़े जुर्माने के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया। वहां 3 दिन से ऑटो चालक हड़ताल पर हैं, जिन्होंने बसों में तोड़फोड़ की, जिससे गुस्साए बस चालकों ने सड़क को जैम कर दिया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने बसों को वहां से हटाया और जैम खुलवाया। जाने दे, जाने दे अभी। पुलिस हंगामा कर रहे 4 बस चालकों को अपने साथ ले गई, जबकि तोड़फोड़ करने वाले ऑटो चालकों पर केस दर्ज कर लिया गया। ऑटो वालों के खिलाफ वहाँ कराई जा रही है, प्रोटेस्ट के करूँगी। मेट्रो बस वालों ने भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम करने का प्रयास किया, तो इनके खिलाफ भी। ऑटो चालकों को आरोप है कि शहर में जबरन चालान किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में वो लोग हड़ताल पर हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिए आरएसएस वाले बयान पर जबानी जंग शुरू हो गई है। एक दिन पहले सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया था और बीजेपी पर महात्मा गांधी के बजाय आरएसएस को तरजीह देने का आरोप लगाया था। सोनिया गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत दे डाली। इन्हें जो है वो सकारात्मक रचनात्मक सियासत और सकारात्मक रचनात्मक राजनीति का रास्ता चुनना चाहिए। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने तो कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की आज जो दुर्दशा हुई है, उसके लिए कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व भी जिम्मेदार है, उन्हें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। वहीं जब सोनिया गांधी पर हमला बढ़ा तो कांग्रेस के दूसरे नेता उनके बचाव में उतर आए। सोनिया जी ने जो कल कहा बिल्कुल सही कहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आरएसएस की विचारधारा है और आरएसएस की विचारधारा गांधी विचारधारा को नहीं मानती है। अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए मशहूर पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से हरियाणा कांग्रेस के कई नेता चुनाव प्रचार नहीं करवाना चाहते। खबर है कि हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बारे में आला कमान से बात की और ये मांग की कि विधानसभा चुनाव के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में न रखा जाए। बताया गया कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने सिद्धू की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से दोस्ती पर एतराज जताया। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने दलील दी कि सिद्धू के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा से गले मिलने की वजह से पार्टी की इमेज खराब हुई है और अगर वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करेंगे तो पार्टी को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है।
और इस बीच ये भी कहा जा रहा है नवजोत सिंह के लिए कि एक सभा में पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगे थे जहां नवजोत सिंह सिद्धू गए थे और एक महिला ने तो उन पर चप्पल तक फेंक दी थी, जिसे कांग्रेस के नेता रोहतक में पार्टी की हार की बड़ी वजह मान रहे हैं। इधर चीन के एक शहर में एक ट्रक ने वहां से गुजर रहे स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। ये हादसा तब हुआ जब स्कूटर सवार ने तेजी से मुड़ रहे ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन मुड़ने के साथ ही ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले स्कूटर और ट्रक अगल बगल चलते दिखे, तभी मोड़ पर ट्रक ड्राइवर ने दाईं ओर गाड़ी घुमा दी, लेकिन स्कूटर वाले ने रुकने के बजाय उससे आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो सीधे ट्रक की चपेट में आ गया। टक्कर लगते ही स्कूटर सवार सड़क पर गिर पड़ा और ट्रक के अगले हिस्से के ठीक सामने आ गया, लेकिन सड़क पर कलाबाजी खाकर वो किनारे आ गया और ट्रक के नीचे आने से बच गया। ट्रक का अगला पहिया उसे बस छूकर निकल गया। हालांकि टक्कर के बाद उसका स्कूटर ट्रक के नीचे आने से पूरी तरह बर्बाद हो गया। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला, जिस पर बीजेपी भड़क गई। ओवैसी एक दिन पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चुनावी रैली करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया था। मिस्टर मोदी और उनके होम मिनिस्टर बार बार बोल रहे एनआरसी ला दो, आप शाह होंगे जरूर, मगर संविधान बादशाह है। बीजेपी ने भी बिना देरी किए ओवैसी पर पलटवार किया। इसका विरोध क्यों, ममता जी या ओवैसी साहब ये सब कर रहे हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि देश में कौन हमारे नागरिक है उसकी जानकारी मिले? क्या इस देश में सारे घुसपैठी जबरदस्ती रहने चाहिए? उत्तर प्रदेश के झांसी में पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से एक सरकारी स्कूल में 3 फीट की एक गैलरी में चल रहा है, जहां बच्चे ना तो ठीक तरह से बैठ पाते हैं और ना ही बच्चे ठीक से पढ़ पाते हैं। बताया गया कि स्कूल की इमारत पर विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को इस 3 फीट की गैलरी में पढ़ना पड़ता है। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन अभी तक स्कूल की इमारत बदली नहीं जा सकी है। इतनी जगह में पढ़ रही हैं, क्या दिक्कत आपको होती है? बहुत दिक्कत होती है। कैसी बेटा? पढ़ नहीं पाते इतनी सी गैलरी में। अच्छा, बारिश होती तब क्या होता है? अंदर जाते हैं रूम में। तो क्या चाहते हो आप बताओ? बड़ा स्कूल बन जाए। और पानी वानी व्यवस्था कैसे आपकी होती है? बाहर जाते हैं पीने। न्यूजीलैंड के क्वींस टाउन में एक 250 साल से भी ज्यादा पुरानी इमारत को नाव के जरिए दूसरी जगह पहुंचाया गया। मकान को खरीदने वाले परिवार ने वहीं बसने के बजाय मकान को ही अपने शहर ले जाने का फैसला किया, जिसके बाद इस मकान को एक बड़ी नाव के जरिए ईस्टर्न के क्वींस टाउन ले जाया गया। इस दौरान इस 3 मंजिला पुरानी इमारत को एक तैरने वाले बड़े प्लेटफॉर्म पर लादा गया और उसे समंदर के रास्ते करीब 80 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इससे पहले पूरी इमारत को जड़ से उखाड़ कर एक बड़ी गाड़ी पर लादा गया और सड़क के रास्ते करीब 8 किलोमीटर दूर बंदरगाह तक ले जाया गया। वहां इमारत को मशीनों की मदद से एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया गया। इमारत के प्लेटफॉर्म पर रखे जाने के बाद एक बड़ी नाव की मदद से उसे खींचते हुए गहरे समंदर में ले जाया गया। हालांकि इस इमारत को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाने में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई। दिल्ली में 4 आतंकियों के घुसने की खबर के बाद मुंबई में भी कड़ी कर दी गई है सुरक्षा। महाराष्ट्र एटीएस को त्योहारों के मौसम में मुंबई में आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। आतंकी हमले की साजिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों की घुसपैठ के इनपुट के बाद जहां एक तरफ दिल्ली स्पेशल सेल जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र एटीएस और साथ ही साथ मुंबई पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी करके गाड़ियों की तलाशी कर रही है और उसमें जो है हर तरह की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि खासतौर पर त्योहारों के दौरान न होने पाए, हर गाड़ी को तलाशा जा रहा है। जो संदिग्ध लगती हैं उन गाड़ियों की तलाशी ली जाती है और साथ ही साथ उनसे पूछताछ की जाती है कि गाड़ियाँ कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट आया है उसके मद्देनज़र दिल्ली स्पेशल सेल जहाँ जगह जगह पर दिल्ली में छापेमारी कर रही है, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो है छापेमारी जारी है। पटना में आई बाढ़ से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वहां बारिश तो थमी हुई है लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। राहत और बचाव के काम में प्रशासन की अनदेखी झेल रहे लोगों पर अब गंभीर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है और इसकी वजह है एक हफ्ते से पटना के कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, जो इतना खराब हो चुका है कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है।
सबसे बुरा हाल पटना के राजेंद्र नगर का है, जहां अब भी 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। यहां पर मौजूद लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अब तक इन तक मदद नहीं पहुंच पाई है और अब बीमारी और महामारी सामने दस्तक देने वाली है। लोगों ने बताया कि जब बाढ़ आई तब उन्हें इतना डर नहीं लगा था जितना गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में सोचकर लग रहा है। हैजा और ये कोरोना जो भी हो यहाँ होगा, शुरू हो गया है। बीमारी का डर है, बहुत बड़ा डर है सर, अब ये महकने लगा है। बीमारी का खतरा तो है, लेकिन लोगों के पास गंदे पानी से होकर गुजरने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। लोग इस कदर गुस्से में हैं कि उन्होंने ऐसे हालात के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया। गुस्सा हम लोग निकल रहा है कि क्या हम लोग डुबाया गया, नीतीश जी का फेलियर है। कुछ लोगों का आरोप है कि राहत और बचाव का काम तो दूर, कोई उन्हें पूछने तक नहीं आ रहा।